आइए देखते हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। और इसमें बेटा हमें देखना है कि परम्यूटेशंस क्या होते हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे। यहां पर मेनली जो हमें सीखना है वो फैक्टोरियल के बारे में सीखना है, ठीक है, और उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी बस एक डेफिनेशन और उसके बारे में क्या है वो थोड़ा बहुत बताया हुआ है, तो मैं भी आपको थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए बेटा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, परम्यूटेशन क्या होता है। हाँ जी भाई, बात है नहीं यार, वो बोल रहे हैं अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। परम्यूटेशन बेटा क्या होता है, अरेंजमेंट होता है इन अ डेफिनेट ऑर्डर, बेटा किसमें, एक डेफिनेट ऑर्डर में, ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम। मतलब कि या तो सारे ले लिए जाएंगे या कुछ ले लिए जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए बेटा मैंने 3 स्टूडेंट्स ले लिए, कौन कौन ले लिया बेटा, एक तो ले लिया जी तुषार, ठीक है, दूसरा ले लिया बेटा कौन, अंश, और थर्ड ले लिया मैंने किसको, खुशी को। अब ये 3 बच्चे हैं बेटा, इनको मुझे बैठाना है, ठीक है, किस तरीके से बैठा सकता हूँ, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं। मान लीजिए इस बैच में यही 3 बच्चे हैं, चलो एक और ले लेते हैं भाई, सोहम को भी ले लेते हैं, ये 4 बच्चे मैंने ले लिए। अब इन 4 बच्चों को मैं कैसे बैठा लूंगा, वो बेटा क्या होगा, मेरा अरेंजमेंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने डिफरेंट डिफरेंट नाम के बच्चे इसीलिए लिए हैं क्योंकि मैं इनको टी ए के एस से डिनोट कर सकता हूं, मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बेटा अब मान लीजिए कि मुझे 3 बच्चों को बैठाना, सोहम सही जगह बैठा हुआ, उसको छोड़ दो, तो बेटा मुझे क्या करना है, सिर्फ 3 बच्चों को बैठाना है, इनको अरेंज करना। कैसे अरेंज करना है, मैं ऐसा कर सकता हूं भाई, पहले तुषार को बैठा लूं, फिर अंश को बैठा लूं, और उसके बाद में किसको बैठा लूं, खुशी को। फिर बाद में मैंने देखा भाई कि अंश और तुषार बहुत बातें कर रहे हैं, मैंने क्या किया बेटा, इसको इधर कर दिया, तुषार को यहीं पर रहने दिया, खुशी को बीच में बैठा दिया और अंश को साइड में कर दिया। फिर बाद में देखा मैंने भाई तुषार अभी भी शुरू है, अभी भी खुशी से बात कर रहा है, मैंने फिर क्या किया बेटा, खुशी को बिल्कुल अपने सामने बिठा लिया और तुषार को बीच में कर दिया और अंश को इधर। बाद में फिर ये दोनों फिर से शुरू हो गए कि सर हम यही तो चाह रहे थे कि हम हमें बैठा लो साथ में। फिर बेटा मैंने क्या किया, मैंने अंश को यहां पर बैठा ला, खुशी को यहां पर बैठा ला और तुषार को फिर से लास्ट में। अब ये बेटा उदास आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या किया, टोटल मेरे पास 4 स्टूडेंट्स थे, उनमें से मैंने कितने स्टूडेंट्स लिए, 3 स्टूडेंट्स लिए, और उनका मैंने क्या किया, अरेंजमेंट किया। तो ये मेरे पास क्या है, परम्यूटेशंस हैं। क्या है बेटा, परम्यूटेशंस। बेटा परम्यूटेशन का एक फॉर्मूला होता है NPR, जो आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में बताऊंगा, N-R। तो बेटा ये N है टोटल नंबर्स, तो यहां पर टोटल कितने बेटा, 4। यहां से मैंने लिए कितने हैं, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को, तो ये मेरे परम्यूटेशंस हैं कि 4 में से मैं 3 बच्चों को लूंगा तो मैं उनको किस किस तरीके से, किस किस अरेंजमेंट से बैठा सकता हूं, वही मेरे परम्यूटेशंस है। मैं बेटा चारों बच्चों को भी ले सकता हूं एक साथ में, 2 भी ले सकता हूं। जब चारों आप साथ में लोगे तो बेटा 4P4 लिखा जाएगा, और बेटा जब आप 2 लोगे तो 4P2 लिखा जाएगा, और अगर एक बच्चे को ले हुए तो क्या होगा बेटा, 4P1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, तो यही है बेटा अरेंजमेंट। तो अब डेफिनेशन दोबारा पढ़ेंगे, अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, आगे पीछे करके, ऑफ अ इन अ डेफिनेट ऑर्डर। बेटा ऑब्वियसली देखो एक डेफिनेट ऑर्डर है कि पहले तुषार बैठा हुआ है, फिर अंश, फिर खुशी, एक डेफिनेट ऑर्डर में बैठा रहा है। ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, या तो कुछ लिए जाएंगे या सारे के सारे ले लिए जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है, ये होती है बेटा परम्यूटेशन फर्स्ट एक्सरसाइज में। बेटा इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, मेन जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है बेटा, फैक्टर्स, फैक्टोरियल के बारे में। नेक्स्ट एक्सक्यूज मी, अच्छा एक थ्योरम दी हुई है बेटा, जरा इस पे नजर डाल लेते हैं, ज्यादा कुछ हमें इसमें करना नहीं है, मेन इसका जो यूज होने वाला है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में ही होगा। देखो जरा, परम्यूटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, परम्यूटेशन हमें देखना है जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या है बेटा, डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग हैं, ऐसा नहीं सेम। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मैंने लिया ए बी
सी ए डी, इनमें से मैंने बेटा क्या किए, फाइव ले लिए वर्ड्स और इनको अलग अलग से अरेंज करना है। तो मैंने क्या किया, पहले ए लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी। फिर मैंने सोचा इन दोनों को आगे पीछे कर दूं। बेटा आगे पीछे करने पर भी सब कुछ क्या है, सेम है। तो बेटा वो सेम वाले की बात नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं बेटा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया बेटा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो बेटा थ्योरम जरा पढ़िए आप, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बेटा क्या होने चाहिए, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, सारे के सारे अलग। अब बेटा यहाँ पे टोटल कितने हैं, फोर, और वो कह रहे हैं टेकन आर एट अ टाइम, तो टोटल है एन और इनकी परम्यूटेशंस निकालनी है, और एन में से बेटा कितने लिए गए हैं, फोर। जैसे कि मान लीजिए बेटा यहाँ पर टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, फोर, और इसमें से मैंने कितने ले लिए, थ्री ले लिए। मैंने सी को छोड़ दिया, ए बी डी को ले लिया। क्या बात समझ में आ रही है, जैसे अभी मैंने स्टूडेंट्स को लिया था। तो इस केस में बेटा जो आर होगा, या तो मैं इनमें से एक भी लेटर ना लूं, जीरो हो सकता है, या मैक्सिमम कितने ले सकता हूं बेटा, फोर। अब अगर आप जीरो लोगे तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब यह है कि जो आप आर लोगे वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ऑब्वियसली। अगर फोर है तो फोर के फोर ले सकते हो, ऐसा थोड़ी ना फोर अल्फाबेट से फाइव ले लोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर बेटा ऐसा है तो इनको लिखने का एक तरीका है, कैसे? पहले बेटा आप क्या ले सकते हो, एन ले सकते हो भाई, सारे के सारे ले लो। फिर उसमें से बेटा क्या कर सकते हो, अच्छा यहां पे एंड द ऑब्जेक्ट्स डू नॉट रिपीट, अगर रिपीट नहीं होते हैं तब आप बेटा कैसे परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल परम्यूटेशंस आप कितनी निकाल सकते हैं, जरा देखिए। एक तो एन ले लो, सारे के सारे ले लो, फिर उसमें से एक कम कर दो, फिर उसमें से एक और कम कर दो, फिर उसमें से एक और कम कर दो, ऐसे करते करते बेटा एन माइनस आर प्लस वन, ये बेटा क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है, ठीक है। अब इस चीज को बेटा थोड़ा इजी वे में समझेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, और इस चीज को बेटा कैसे डिनोट किया जाता है, एन पी आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है बेटा, एन पी आर से, ठीक है। तो जरा देखो, अगर जरा देखो एन की वैल्यू अगर एन के इक्वल हो गई तब भी यहां पर वन रहना चाहिए, वरना तो बेटा ये जीरो हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए प्लस वन लिखा हुआ है। आगे जरा देखिए फैक्टोरियल नोटेशन, आपको बेटा मेनली जो पढ़ना है वो इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में। फैक्टोरियल नोटेशन बेटा क्या होती है पहले तो आप वो समझिए, फिर बहुत सारे इसके एग्जांपल सॉल्व करके समझेंगे कि कैसे करना है। बेटा जरा देखो, द फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कह दो या फिर नेचुरल नंबर कह दो, एक ही बात है, नेचुरल नंबर्स। बेटा सबसे बड़ी बात कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या ना ही बेटा डेसिमल में होना चाहिए कि 2.5 ले लो, 1, 2, 3, 4, 5 चलेगा। n is defined as the product of all positive integers less than or equal to n। तो इसका मतलब ये है कि बेटा n फैक्टोरियल क्या होगा, n फैक्टोरियल होगा बेटा n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, और ऐसे करते करते 2 और 1। क्या मतलब है, अगर मैंने यहां पे लिखा 6 फैक्टोरियल तो बेटा ये क्या होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये क्या है बेटा, 6 फैक्टोरियल है। क्या है बेटा, 6 फैक्टोरियल। अगर 5 फैक्टोरियल कहा जाए तो बेटा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर आपसे 4 कहा जाए तो बेटा क्या हो गया, 4 × 3 × 2 × 1। मतलब एक एक नंबर क्या करते चले जाओगे, कम करते चले जाओगे, ठीक है। इसी तरीके से बेटा 2 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा बेटा, 2 × 1 मतलब 2। 1 फैक्टोरियल बेटा क्या होता है, 1 होता है, और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है अभी बताऊंगा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, पहली बात तो इट इज डिनोटेड बाय एन फैक्टोरियल, और इसको पढ़ा कैसे जाता है, एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन, दोनों में से कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और इसको लिखा कैसे जाता है एन फैक्टोरियल को, एन, एन माइनस वन, एन माइनस, साथ में क्या है बेटा, मल्टीप्लीकेशन का साथ,
साथ में जो लिखे हुए हैं इसका क्या मतलब है बेटा, मल्टीप्लीकेशन। तो बेसिकली जो भी नंबर दिया होगा उसको एक एक करके कम करते हुए चले जाओगे और लास्ट में कहां पे छोड़ोगे जाकर, वन पर छोड़ोगे। क्या बात समझ में आ गई? अब जरा देखिए रिमार्क करने वाली क्या बात है कि यहां पर जो n फैक्टोरियल है वो बेटा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए या पॉजिटिव n के लिए ही एप्लीकेबल है, डिफाइंड है, नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। अच्छा अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन कि जो जीरो फैक्टोरियल है वो वन क्यों है भाई? ठीक है, जीरो फैक्टोरियल वन क्यों है जरा समझिएगा। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल बेटा किसके इक्वल था, एन एन माइनस वन। अब बेटा ऐसे तो करते ही चले जाओ, कहां तक जाओगे, वन। आप चाहो तो बेटा फैक्टोरियल को रोक भी सकते हो, कैसे, फाइव फैक्टोरियल बेटा सिक्स फैक्टोरियल क्या होगा, सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 5 फैक्टोरियल को तो आप कैसे लिखोगे, 5 4 3 2 1 बात एक ही हो गई या नहीं हो गई। तो किसी भी फैक्टोरियल को बेटा आप बीच में ऐसे रोक सकते हो। तो मैंने क्या किया बेटा, n फैक्टोरियल को क्या लिखा, n n माइनस वन फैक्टोरियल। क्या यहां तक बात क्लियर है, एनी प्रॉब्लम? अब मैं क्या कर रहा हूं, इस n को बेटा इधर ले आ रहा हूं तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n, और यहां पे क्या बचेगा, n माइनस वन। कोई दिक्कत? अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं n की वैल्यू 1, तो दोनों तरफ पुट करना पड़ेगा। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 1 फैक्टोरियल, यहां पर क्या आ जाएगा 1, और यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, और साथ में क्या आएगा बेटा फैक्टोरियल। देखो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है और डिवाइडेड बाय 1 है, तो बेटा ये क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। लेकिन यहां पर जरा ध्यान दीजिए, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। इसका मतलब 0 फैक्टोरियल बेटा कितना होता है, 1 होता है। जैसे किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, वैसे ही 0 फैक्टोरियल का क्या मतलब है बेटा, 1 होता है। ठीक है, मतलब इसको एक थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यह है तुषार, यह है अंश और यह है सोहम। इसमें से मैं बेटा इसका अरेंजमेंट ही नहीं कर रहा हूं, तो कितने अरेंजमेंट है, एक जो बैठा हुआ वो तो अरेंजमेंट है ना, तो इसका मतलब यही इसका आंसर क्या हो गया बेटा, फिर 1 हो गया, ना कि 0। क्या भी कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, कुछ तो अरेंजमेंट है, एक तो अरेंजमेंट है कि भाई पहले तुषार बैठा हुआ, फिर अंश और फिर बाद में सोहम। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर आप एक भी नहीं लोगे तो बेटा एक अरेंजमेंट तो होगा ही होगा, इसीलिए बेटा 0 फैक्टोरियल 1 होता है। इज दैट क्लियर? आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। जरा देखो, वो बोल दे बेटा 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल बताओ क्या होगा। भाई पहले चलो 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, भाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 4 जा बेटा होता है 20 और 3 2 जा कितना होता है 6, आंसर कितना आ गया बेटा 120, बताइए कोई दिक्कत। अब वो प्लस करने के लिए बोल रहे हैं, तो भाई 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने जस्ट ताजी ताजी निकाली 120, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो 120 प्लस 6 आंसर कितना आ गया बेटा 126, बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसके बाद बेटा जरा देखो, अगर वो आपसे ये कह दें कि भाई 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, अब इसको करने के बेटा दो तरीके हैं, कौन कौन से, पहला तरीका देख लो। पहला तो बेटा ये तरीका है कि 8 फैक्टोरियल इंटू क्या आ जाएगा बेटा 7 6 5 4 3 2 1, और यहां पे 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने निकाली 120, करते रहो बैठ के बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा उसमें से 120 माइनस कर देना। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तरीका। मैं क्या सोच रहा हूं कि इसको क्या करूं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे रोक दूं, और आगे क्या रहेगा बेटा 5 फैक्टोरियल। अब बेटा 5 फैक्टोरियल क्या आ सकता है, कॉमन, कॉमन आने के बाद यहां पे क्या बचेगा 8 इंटू 7 इंटू 6 माइनस 1। बेटा ऐसा करने से क्या हुआ, आपकी कैलकुलेशन यहां वाली बच गई, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की आपको अलग से करनी पड़ती, और ये जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब 5 फैक्टोरियल को सिर्फ एक बार कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो यहां पर क्या आएगा जरा देखो, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हमने निकाली 120 इंटू, यहां पर कितना आ रहा है बेटा, हां जी 42 और 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 2 जा बेटा कितना आ जाएगा 16 कैरी 1, और 8 4 जा बेटा कितना होता है 32 प्लस 1 33, तो 33 3 3 6 माइनस 1
बेटा कितना आ जाएगा 120 into 335, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करोगे वही आपका आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मल्टीप्लीकेशन में आ जाए तब भाई 3 factorial इंटू में भी नहीं होगा तो हो सकता है ऐसे लिखा हो 2 factorial। बेटा ये दोनों किसमें हैं? मल्टीप्लीकेशन में हैं। तो बेटा 3 factorial क्या होता है? 3 × 2 × 1, और 2 factorial क्या होता है? 2 × 1। 3 × 2 = 6 एंड 6 × 2 = बेटा कितना होगा? 12। इस तरीके से मल्टीप्लाई करो। लेकिन बेटा अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 factorial × 5 factorial / 7 factorial तो क्या करोगे? एक तो ये ऑप्शन भाई इसको खोल के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएंगे नंबर्स। दूसरा बेटा आपके पास तरीका क्या है? 3 factorial को ऐसे ही छोड़ दो, 5 factorial को ऐसे ही छोड़ दो, जो बड़ा नंबर है उसको आप ओपन करेंगे। कैसे? 7 × 6 × 5 factorial, 5 factorial से 5 factorial बेटा क्या हो गया? कैंसिल आउट। 3 factorial होता है 3 × 2 × 1, नीचे क्या बचा बेटा? 7 × 6, 3 से बेटा ये भी कैंसिल आउट, 2 से ये भी कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आ गया? 1/7। स्क्वायर वगैरह होगा तो भाई अंदर सॉल्व करके स्क्वायर कर दोगे। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से बेटा फैक्टोरियल वाले नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करनी है। एक गोल्डन रूल याद रखना है कि जो बड़ा नंबर है उसको सॉल्व कीजिए और जो छोटे नंबर्स के फैक्टोरियल्स दिए हुए हैं वहां तक जाकर रोक दो। कब? जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन हो रही है वहां पर कॉमन लेकर या डिवाइड करके, कट करके अपना आंसर सॉल्व करोगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो ये है बेटा आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।